वो तो उस दिन उसकी गलती थी इसलिए पीटा था वो, ठीक है ना। फिलहाल गाइस अभी हम पहुंच गए पुष्कर घाटी और थोड़ी देर में पुष्कर पहुंच जाएंगे, तो अभी मिलते हैं आगे आप लोग। तो गाइस फिलहाल अभी फोन वगैरह चार्ज करने जा रहे हैं हम दोनों, मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आप लोगों के लिए पता नहीं वीडियो आएगी नहीं आएगी। अभी फिलहाल हम रस्ते में खड़े हैं, देखो इधर पानी भरा है और बारिश आ रही है, छाता लेकर खड़ा हूँ। ये चेक करो, ये रेस्टोरेंट बन रखा है जो पूरा कांच का बन रखा है। हे गाइस कैसे हो आप लोग? आप लोगों को पता है एक चीज दिखाने थी, मैं पता इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ आपको बताती हूँ। पकड़ो इसको, कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ रेडी होके कचरा फेंकने। इधर आ, और अपन कहाँ जा रहे? और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट कपड़े लेने के लिए अजमेर। और तने तेरे को हमेशा बोला यहाँ रखा कर फोन को, ऐसा व्लॉग बनाया कर, व्लॉग भी बनाना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ तेरे को, हमेशा मैं ही सिखाता हूँ, इसको आता भी नहीं है। तू सिखाएगा? तेरे को हमेशा बोला कि मैंने ना फोन को हमेशा यहाँ रखा कर इस एंगल पे, ठीक है ना, ऐसा कर लेती है। तुम कुछ भी करना, बल्कि मैं नहीं चाहती बाकी जब अभी चल नहीं रहा इधर पास में, क्या बोल चल नहीं रहा है, इतना फ्रॉड कर रही है लड़कियां लड़कों के साथ में, मैं नहीं चाहती तुम मुझे इतना कुछ सिखाओ और बाद में कुछ फ्रॉड हो जावे, इसलिए तुम कुछ भी मत सिखाओ। ठीक है तो मैं खुद ही लात देके भगा दूंगा थोड़े दिन में, बस बात खत्म यहीं पे। गाइस यार आज अपनी रानी को मैं धोकर लाया अपनी फैक्ट्री घर पे जाकर, और देखो कितनी मस्त चमक रही है, बहुत प्यारी चमक रही है। आज इसको वॉश करा मैंने अच्छे से। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अजमेर के लिए, ठीक है ना, और रील्स वगैरह बनानी है बहुत सारी, और सोनिया को कपड़े वगैरह दिलाने हैं अजमेर जाके, तो अभी इसलिए अजमेर जा रहे हैं अपन लोग, है ना। मार्केट कुछ कपड़े लेने मेरे को मेरे लिए, तो अभी हम लोग सीधा मार्केट जा रहे हैं। मैंने मास्क इसलिए लगा रखा, बल्कि ना डस्ट धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है इस वजह से, तो अभी सीधा फिलहाल मार्केट चलते हैं, उसके बाद हम लोग आते टाइम चौपाटी पे भी रुकेंगे। इसलिए मैंने मास्क लगा रखा ना, इतनी गंदी गर्मी लग रही है, मुंह को बहुत ही ज्यादा अंदर है ना, और हवा भी आ रही है ना, तो आंखों में धूल मिट्टी इतनी जा रही है जिसकी कोई हद ही नहीं हो। मौसम भी हो रहा है लेकिन पता नहीं है बारिश कब आएगी। वीर अभी ड्राइव कर रहा है, हेलमेट पहन रखा है इसने, तो इसको तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे चल रहा है वीर सम्राट, और मैंने कर ली है शॉपिंग, मेरी जो पैंट थी चेंज करवा ली मैंने। मेरे को यहाँ पे कुछ पसंद भी आया था लेकिन मैं खरीद नहीं पाई, बल्कि ये पैसे नहीं लेकर आया, और इसके फोन पे में पैसे भी नहीं है, बताओ इतना जिद्दी है, और अभी भी इसका मुंह उतरेवा है। क्यों उतरेवा है मैं आपको बताऊंगी चौपाटी पे रुक के। तो अब गाड़ी को मारा ही अपनी, हम लोगों ने सोचा मोमोज खा लेते हैं, लेकिन यार वो 50 रुपए की मोमोज देगा 7-8 ही, तो मैंने इसको कहा कल आराम से मोमोज बनाएंगे घर पे और आराम से कल खाएंगे पेट भर के, बल्कि कल चैलेंज वीडियो भी बनाना है इसलिए। फिलहाल गाइस सोनिया बाइक चलाएगी क्योंकि ये पीछे बैटरी तो वगैरह कुछ भी नहीं बनाती है, तो मैं आराम से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहूंगा आपको। अभी आगे महाराणा प्रताप स्मारक वहाँ पर कुछ बन रहा है, तो वहाँ भी रुकेंगे, तो वहाँ पे आपको वो फोटो शूट करने की जगह तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ, वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी सोनिया बाइक चला रही है और देख सकते हो सामने आप लोग। तो गाइस सोनिया गाड़ी पार्क कर दी अभी, और अभी हम यहाँ पे घूमेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो अभी अंदर चलते हैं। ये चेक करो, ये रेस्टोरेंट बन रखा है जो पूरा कांच का बन रखा है, इतना प्यारा लगता है सच में दूर से। इसके अंदर लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी, अभी तो देखो पूरी लाइट भी ऑन नहीं हुई, अभी ऑन करी भैया ने शायद, बाकी कितना प्यारा लग रहा है देख सकते हो। और यहाँ पे देखो इधर, और ये लड़की आ रही है इधर, यहाँ पे तो बगार की खुशबू आ रही है। गाइस ये चेक करो, ये कितना प्यारा लग रहा है, अभी वहाँ हम भी फोटो शूट करेंगे उधर जाके। गाइस यार कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना, ये चेक करो, मस्त लग रही है सोनिया है, खींचो। गाइस यार यहाँ पे ये जगह काफ़ी प्यारी है, तो सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर रेस्टोरेंट है, तो हम भी कभी जाएंगे सोनिया दोनों, आज तो अभी लेट हो रहा है, कभी और दिन जाएंगे हम ऊपर और आप लोगों को व्यू दिखाएंगे, और जिस दिन आएंगे ना उस दिन खाना वाना सब यहीं पे खा कर जाएंगे हम लोग। चले अभी क्या हुआ ये, चले यहाँ से चलते हैं। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो यहाँ से निकलते अभी और आगे मिलेंगे आप लोगों को, है ना। गाइस पता काफ़ी टाइम बाद, मतलब एक या डेढ़ महीने, दो महीने या तीन महीने समथिंग, इतने टाइम बाद में कभी ऑन नहीं हुआ आज, और आज फैन ऑन हो गया, बल्कि गाड़ी चली ना, आज गाड़ी भी चली और गाड़ी भी गुस्से में थी, बल्कि वीर भी गुस्से में था, तो उसके साथ साथ गाड़ी भी गुस्से में थी हमारी, गर्म हो रही थी गाड़ी, गाड़ी भी हमारी गर्म हो चुकी है, बल्कि मैं चला रही थी ना तो जो पैर है ना मेरे नीचे वाले बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे सच्ची में। मैंने इसको मैंने कहा कि मैं व्लॉग बना लूंगी, प्लीज मुझे गाड़ी मत दे चलाने, और यहाँ अंदर आने का कोई फायदा ही नहीं था यार, और यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है ना, मुझे खाना खिलाने लेके गया ना कुछ, और दिखा के और लेकर आया कि यहाँ पे खाना बनता क्यों। और पता पर्ची वाला इतना कंजूस आदमी था, उसने पर्ची भी नहीं दी, 10 रुपए ले लिए, और हम मैंने सोचा कि मैं उसको बोलूंगी कि पर्ची मत दो कोई बात नहीं, लेकिन वो समझदार था, वो सोचा कि भाई पर्ची तो लेंगे नहीं, 10 रुपए ले लेता हूँ, बताओ यार। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पे बोलते चीता है, क्या है बाघ है ना सोनिया, बाघ घूमता है ना यहाँ पे, लेकिन हमारे को तो एक बार भी नहीं दिखा, और हम तो यार पुष्कर से हम तो एनी टाइम इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन हम मेरे को तो कभी भी बाघ नहीं दिखा दिया, पता नहीं यार लोगों को कैसे बाघ दिखता है।
वो आधी रात को घूमते हैं इसलिए। भी गाड़ी कोई भी गाड़ी मान लो, मतलब ऐसे किसी के सामने कट क्यों मारते हैं और बहुत स्पीड से भगा कर ब्रेक लगाते हैं। अभी घाटी में एक सीन हुआ था, दो लड़के थे और बिल्कुल पतला सा था, स्प्लेंडर लेके गया, उतने तेज भगा के और ब्रेक लगाया जोर से, मेरे को लग रहा है कि भगवान ने उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी ऐसा लग रहा है। हाँ सोनिया यार ये चीज गलत है, ऐसे बाइक नहीं चलाना चाहिए किसी को भी, कोई भी क्यों ना हो, है ना सोनिया? नहीं वो मेरे को ओटीपी दे रहा था कि तेरे हाथों पीटूंगा। नहीं मेरे हाथ से क्यों पीटेगा वो? पीटा था ना फिर तुम्हारे हाथों से। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो उस दिन उसकी गलती थी इसलिए पीटा था वो, ठीक है ना। फिलहाल गाइस अभी हम पहुंच गए पुष्कर घाटी और थोड़ी देर में पुष्कर पहुंच जाएंगे तो अभी मिलते हैं आगे। फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुंच गए पुष्कर घाटी और अभी थोड़ी देर में पुष्कर पहुंच जाएंगे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। और इसके पास तो ड्रेस आ गई सोनिया के पास, यार ये एक महीने में पता नहीं कितनी बार शॉपिंग कर लेती है यार सोनिया, तो यार समझ में नहीं आता मुझे तो। फिलहाल तुम्हारा भाई ना एक हाथ से बाइक भी चला रहा है, ये देखो ये चेक करो। गाड़ियों कर दिया मैंने नोटल और चलने दे रहा हूँ क्योंकि घाटी तो ही है। चलो दे दो पुलिस की गाड़ी आ रही है, देख लेंगे इसे। एम्बुलेंस है पागल वो। इसे देख रहे हो गाइस ये मेरी है और इसे अब मैं खत्म करने वाली हूँ। ये आ रहा देखो, अब आके कुछ ना कुछ तो बोलेगा। गाइस है ना पनीर वगैरह लेने आ गए मटर, और क्योंकि आज सोनिया बोल रही है ना पनीर की सब्जी बनाएंगे अभी भैया की दुकान का। नमकीन चावल बनाएंगे। नमकीन चावल अभी तो कहा तुमने? मैंने रोटी बनाई थी पागल है। तो गाइस है ना चाट भी लेके जा रहे हैं ठंडी ठंडी, तो मजा आएगा पीने का। तो गाइस फिलहाल सोनिया आज पनीर की सब्जी बना रही है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर पनीर की सब्जी बन रही है और ये रहे पनीर कटे हुए हैं। मटर कहाँ है? मटर डाल दिए और इसको बोला भी चावल भी बना लेना साथ में राइस, तो मतलब रोटी भी हो जाएगी और राइस भी हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा खाने का। संडे का दिन है तो कुछ अच्छा स्पेशल बनाएगी तो थोड़ा मैं भी खुश हो जाऊंगा। फिलहाल खुश हो जाऊंगा, पूरा आधा दिन तो सारे ने नींद में निकाल दिया आज। गाइस कल रात को उठ के कल ना 4:30 बजे उठा था गाइस, मैं मतलब सॉरी 4:30 बजे सोया था रात को और मैं उठा था कल मतलब कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे उठा था, इसने चाय भी ठंडी हो गई, फिर इसने 1 बजे वापस गर्म करी चाय को, फिर वही चाय मैंने पी, फिर उसके साथ ब्रेड वगैरह खाया मतलब आधा दिन संडे का तो आधा दिन लड़ाई में निकाल दिया, यहाँ लाके पटा। मैं लड़ता हूँ, तू लड़ती दुबी चाटो बार मुंडा लड़ा मेरे से, गुद्दी पे बड़ी गुद्दी आ गई। हाँ यार इसको समझा लिया करो, प्यार से कमेंट कर दिया करो, नहीं तो गुद्दी गुद्दी में दूंगा मैं कभी इसके। वो दिमाग चाटने लग गई अभी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने, वो आप लोगों को बाहर दिखाऊंगा। जो मैं खाने जा रहा हूँ वो ये नहीं खाती है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ। ओहो वह चल अभी जा रहा हूँ बाहर, है ना? जा तो मेरे को क्या बताना। ठीक है ठुकरा के मेरा प्यार, ढंग से बात कर लिया, क्या पता कल मैं प्रधानमंत्री बन गया तो फिर बोलेगी बेबी मेरे पति की नौकरी लगवा दो। नहीं है मेरा पति तो काय पतो काय बात में थारो कोई दूसरा ब्याह जा था, तू बन ढंग से बात नहीं करी मैं ब्रेकअप दे दूं, ब्रेकअप दिए बाद में काय हुआ दूसरा ब्याह हुई थारो और का ही है। तो गैस निकलते हैं ना, तो मैंने दूध वगैरह ले लिया है निकलते। तो गैस फिलहाल मैं पहुंच गया और अभी गाड़ी को ढक देते हैं इससे, आ गया और सोनिया ने खाना ना लगा रखा देखो सारा, और कुछ सामान भी लेकर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो वाओ, पर चावल खिले नहीं बन रहे कुछ भी करो यार। वो मैंने तेल डाल दिया था थोड़ा ज्यादा इसलिए, वो मैंने सोचा कि इसमें से पनीर में से मटर निकाल के डालूंगी लेकिन फिर मैं भूल गई। बाबा यार मेरे को ठग लिया क्या यार? किसने? इसमें देखना मैगी का। अरे ये 20 रुपए 5 पैकेट लाया 99 के। 20 40 अच्छा 40 और 20 कितने हुए? कितने हुए? 60 मन का सुन रही है दूंगी चाटा 80 90 100 ठीक है सुनो 100 इसमें हो गए। 70 80 90 100 कितने पैसे लिए उसने आपसे? 99 उसने आपको डिस्काउंट दिया? कितने का उसने आपको दिया डिस्काउंट? कम से कम 15 रुपए का डिस्काउंट दिया उसने आपको। नहीं यार। तो गाइस खाना ना खा लेते हैं, खाना लग चुका गर्म हो गया होगी ना चाच गर्म? हाँ बल्कि तुम लेट आया, तुम्हें खाना पार्सल कराना पड़ेगा। अच्छा जी तू पार्सल कर दे, शकल दिखे तारी देख ले मेरी शकल। 4 दिन में तो रोज आवार घर चेंज कर पाँच वो एक ही कुर्ता पहन ले कपड़ा को नहीं था रहे? ये गजब की है यार, मतलब ना आती और ये भासी कुर्ता पहन लेती है, 4 दिन हो गया तेरे को। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत मेरे को आ रही है कि क्या दिक्कत है? देखो तू व्लॉग में आती है भासी कुर्ता पहनती है, भासी कुर्ता है तो धोता है इसको? नहीं अब मैं सुबह नहाती हूँ ना के, पर ये कलर मेरा फेवरेट है। गर्मी के अंदर मेरे को ये कपड़े अच्छे लगते तो ये पहनूंगी ना, अब शॉर्ट तो पहन नहीं सकती और तू मेरे को पहना नहीं सकता। अच्छा बहुत शाना है तो इसलिए। चलो गाइस खाना ना खा लेते हैं और मिलता हूँ भी थोड़ी देर में आपसे, है ना? इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, हमारे बीच में हो गई लड़ाई भयंकर वाली, इस बारे में बाद में बात करेंगे अभी हम। और अभी बहुत ही भयंकर बारिश आ रही है, मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ और ये टी शर्ट खोल के सो रही। और इधर देखो आप मेरे पीछे कितना मस्त हो रहा, कितना मस्त लग रहा गाइस,
मेरी आजकल ही ख्वाहिश पूरी करने लग गया। मेरा एक मन था, मतलब एक सपना था कि मैं बारिश में इसका एक सपना था और राकेश भैया को बताती हूँ अभी क्या कर रहे हैं। तो ये राकेश भैया, इनको हमने फोन करके बुलाया था, लेकिन भैया कह रहे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी बाहर निकल कर नीचे कतार है, करंट आ जाएगा तो गाइस आज ये फादर्स डे और सभी के पापा को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और मेरे पापा को भी, मेरे पापा साथ में नहीं है, मतलब मेरे घर पे है, मैं जा नहीं सकता, पापा थोड़ा मेरे तक गुस्सा है, मैं घर पे बहुत कम जाता हूँ ना, घर पे मिलने। क्या कह रहा है? मैंने बोला आधा पादा किसने पादा? वीर ने पादा। गाइस ना गाइस, हाँ एक चीज बताता हूँ, फोन पे घुस जा। सुना, अभी कल ना एक प्रमोशन आया था मेरे पास, तो मतलब कोई कॉर्नर थी फेसबुक कोई पेज के लिए, तो उसने बोला कि ना मतलब आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैंने इसको जीमेल आईडी बताई पापकीपुड़िया.com और पासवर्ड बताया मैंने की दुनिया। तो अभी ये ना अपने कपड़े पहन रहा है। गाइस आप जुगाड़ देख सकते हो, लोगों के थैली पहन पहन के आ रहे हैं। देखो हमारे पास भी ऐसा जुगाड़ होना चाहिए था। क्यों भैया पहन कपड़े पहन प्यारा लग रहा। कुछ देर बाद हम रील्स बना रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें ये सांप दिखा था, और यहाँ पे बहुत सारे सांप दिखे थे हम लोगों को, बल्कि यहाँ पे पानी असरदार आ रहा था, इस वजह से सांप बाहर निकल रहे थे। तो गाइस फिलहाल अभी फोन वगैरह चार्ज करने जा रहे हैं हम दोनों, मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और आप लोगों के लिए पता नहीं वीडियो आएगी नहीं आएगी। अभी फिलहाल हम रस्ते में खड़े, देखो इधर पानी भरा है और बारिश आ रही है, छाता लेकर खड़ा हूँ पीछे। तो अभी देखते हैं कोई अच्छी सी दुकान या होटल, तो अपना फोन वगैरह चार्ज करके फिर आएंगे, क्योंकि कल तक लाइट नहीं आई है पुष्कर में, तो निकलते हैं यहाँ से। ना वन प्लस चार्ज लगा दिया मैंने, आईफोन के लिए जगह नहीं है क्योंकि इन्वर्टर है तो सारी जगह बुक हो रही है, इसको लगा दिया, इसमें गेम खेलना मेरे को, इसलिए चार्ज लगाया। फोन चार्ज लगा दी मेरा। तो गाइस यार लाइट आ रही थी जा रही थी, मैं मेरी नैन पेंट लगा रही थी, हर थोड़ी देर में एक पे लगाई थी। हाँ यार ये चमड़ी की तरह दिख रही है। तो गाइस पहले एक लगाई थी, फिर लाइट चली गई, फिर 10 मिनट बाद फिर एक एक करके मैंने सब पे लगाई, बल्कि मेरे को टेंशन नहीं थी किसी चीज की। फोन कितना चार्ज हुआ मेरा? तो पूरा 100% हो गया। गाइस देखो आप लोगों के सामने चार्ज लगाया, 100% हो गया मेरा तो। मतलब और भी लड़का है, सिम भी लेके चला गया मेरी। ये सामान लेकर आया मैं क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या है, वो मोटे क्या क्या चेक कर, चार्जर भी है, चिप्स भी ले रहा हूँ, खा बैठा लिया हूँ, मैंने सोचा पेस्ट लेकर आया होगा मेरे लिए। ओहो पेस्ट थोड़ी, एक अंदर चिप्स भी लाया, आलू, दो चीजें खुद का आता वो लेकर, आलू चिप्स भी ले रहा हूँ, चावल खा लेते हैं ना। तो गाइस आज सोने में मस्त चावल बनाए और अभी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और ये व्लॉग है ना सच में पता नहीं कितने दिन से पड़ा था मेरे पास, तो अभी इसको डालेंगे कल, तो आप लोग देख रहे होंगे मुझे पता है, तो प्यार से कमेंट करना। बाय बाय।